नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आज हम आपको बताएंगे 36 स्लॉट वाले कूलर की, जो 36 स्लॉट का कूलर होता है 1440 आरपीएम में, उसका वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा एंड कनेक्शन। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे 36 वोल्ट का एक स्टेटर का यहाँ पे चित्र लिया है, तो इसमें वाइंडिंग डायग्राम बना के दिखाएंगे, डेटा दिखाएंगे, कनेक्शन दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो 36 स्लॉट में जो रिवाइंडिंग होती है 1440 आरपीएम में, इसके अंदर पिच होती है रनिंग की 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। तो सबसे पहले हम रनिंग की इंस्टॉल करेंगे क्वाइल्स, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिच बना लेते हैं 1 से 5, 1 से 5 हमको पिच बनाना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, या यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ से कर रहे हैं, पिच बना रहे हैं, 1 से 5 बनाना है, 1 2 3 4 5, ये पिच जो बनी है 1 से 5 बनी है। इसके ऊपर है 1 से 7, इसके ऊपर है 1 से 9, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, ये रनिंग की पिच है, ठीक है। तो हम इसमें क्वाइल डालते हैं, एक क्वाइल को हम इन इसी कंप्लीट पिच भर देंगे इससे। दोस्तों यहां पे रनिंग में जो क्वाइल की लेंथ है वो है 38.5 इंच, 38.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे स्टेटर साइज जो है 1 इंच का है, ठीक है। तो एक कॉइल को यहाँ पे डालते हैं, तो इनर तार जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है और कॉइल को डालना है 3 स्लॉट बीच में छोड़कर, ध्यान रहे 1 से 5 के अंदर। 1 से 5 में एक बार आपको तार डालनी है, सॉरी कॉइल डालनी है, 1 से 7 में 2 बार डालनी है। अब 1 से 7 में दो बार डालनी है, 1 से 9 में भी 2 बार डालनी है, 1 से 9 में डालने के बाद यहाँ पे आउटर तार निकल गया है। तो क्वाइल का एक मोड है 1 से 5 में एक बार, 1 से 7 में 2 बार, 1 से 9 में 2 बार, इस तरह से एक क्वाइल पूरी की पूरी 38.5 इंच की क्वाइल डल जाती है, 3 स्लॉट बीच में इसके छूट जाते हैं। फिर इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगली क्वाइल डालने के लिए, ठीक है, रनिंग में टोटल 4 क्वाइल होते हैं, तो अगली क्वाइल डालने के लिए हमको फिर से पिच बनाना पड़ेगा, वही पिच। तो हम बना लेते हैं यहां से खाली स्लॉट से 9, ठीक है, 7 और 5, फिर 3 स्लॉट छोड़ देंगे, 1 2 और 3, और यहां से हम शुरू करेंगे। एक से पांच में एक बार, ठीक है, उसके बाद 1 से 7 में 2 बार कॉइल डालेगी मोड़कर, और फिर बात आती है 9 की, 1 से 9 में हम 2 बार कॉइल डालेंगे और आउटर तार यहाँ पे हमारा निकल जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेम तरीका लगाएंगे, 9 7 5, 1 2 3 छोड़ के 1 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाइल डालनी 3 स्लॉट छोड़ के 1 से 5 में, फिर 1 से 7 के अंदर, फिर 1 से 9 के अंदर, आउटर तार यहां पे निकल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेम टू सेम वही पिच बना लेते हैं,
9, 7, 5, 1, 2, 3 छोड़ देते हैं और यहाँ पे 1, 1 और 1 इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ कॉइल का, और कॉइल का जो घुमाव है इस तरफ से चलना चाहिए, एक तरफ ही, चाहे तो लेफ्ट से राइट रख लो या राइट से लेफ्ट रख लो, सभी का सेम तरीके से। ठीक है, तो यहां पे एक बार कॉइल डली है 1 से 5 में, फिर यहां पर 2 बार डली है, सॉरी ये थोड़ा सा इधर से निकल गया है, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां से 2 बार गई है और फिर ये जो है 1 बार। ठीक है, और आउटर तार यहां पे निकल जाता है सेम तरीके से। तो इस तरह से जो है वो रनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए हर कॉइल के अंदर 2-2 तारे हैं, एक रनिंग है और सॉरी एक इनर एक आउटर रनिंग के अंदर। ठीक है, तो देखिए कनेक्शन बहुत ही इजी है, पहले मैं आपको कनेक्शन बता देता हूं। देखिए पहली जो कॉइल हमने जो हम पहली डाली थी उसका आउटर छोड़ दीजिए, इनर तार आपको पकड़ना है, ये इनर तार दूसरी के इनर से जोड़ देना है इस तरह से। अब दूसरे का आउटर पकड़ना है, तीसरे का आउटर से जोड़ देना है, इसको 1 से 3 कनेक्शन बोलते हैं। अब तीसरे का इनर पकड़ना है, चौथे के इनर से जोड़ देना है, और 2 आउटर तारे बचेंगे, एक तो पहले ही क्वाइल की, एक चौथी क्वाइल की, ये हमको बाहर निकालना है, इनको कहीं नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये रनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब सेम तरीके से स्टार्टिंग डलेगी, स्टार्टिंग के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। तो अब देखिए हमने पहली क्वाइल यहां से डाली थी, अब हमको जस्ट ऐसे इसको कर लेना है। ठीक है, मोटर को, और स्टार्टिंग का जो पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, और इसका जो फर्मा रहेगा क्वाइल का लंबाई रहेगा 32.5 इंच का रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम पिच बना लेते हैं, पहले 1 से 6 बनाएंगे, तो हम 6 स्लॉट छोड़ेंगे भरे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पिच बनाएंगे यहां से। ठीक है, 1 से 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके ऊपर बनाएंगे 1 से 8, फिर बनाएंगे 1 से 10। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको 4 स्लॉट पहले छोड़ने हैं जिसमें डबल डबल तार आया हुआ है रनिंग वाली, एक तो ये वाली हो गई इधर, फिर ये वाली हो गई इधर, फिर ये और ये, 4 स्लॉट हमको भरे हुए छोड़ने हैं, और जो भरे हुए फिर स्लॉट हैं उस पे पिच बनानी है हमको 1 से 6, इसके ऊपर खाली में 1 से 8 जो बिल्कुल खाली है, फिर उसके ऊपर 1 से 10 जो बिल्कुल खाली। ठीक है, और सेम तरीके से हमको क्वाइल डालनी है, हमको सबसे पहले डालनी है 4 स्लॉट ये वाले छोड़कर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, भरे भरे में जिसमें एक एक क्वाइल डाली गई थी, लेफ्ट भी एंड राइट भी, इसमें सिंपल था, एक बार क्वाइल डाली गई थी उसमें से। तो इनर तार यहां पे आपको रखना है और सेम तरीके से 4 स्लॉट छोड़ते हुए, ठीक है, 1, 2, 3, 4 स्लॉट छोड़ते हुए ध्यान से देखिए इस तरह से एक बार आपको डाल देना है, फिर उससे अगला जो खाली वाला है उसमें भी आपको कॉइल इस तरह से डालना है, उसमें 2 बार मोड़ना है 1 से 8 वाले में, उसके बाद 1 से 10 वाले में 1 बार डालना है। ठीक है, तो याद रहे 1 से 6 में 1 बार, 1 से 8 में 2 बार और 1 से 10 में 1 बार कॉइल डालना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम तरीका लगाना है, बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं, आपको भरे स्लॉट नोट करने हैं जिसमें डबल डबल डाली है, ये 4 स्लॉट्स, उसके बाद जिसमें सिंबल डाली गई है उसमें से हमको पिच बनाना है 1 से 6, फिर 1 से 8 और फिर 1 से 10,
ठीक है, इस तरह से हमको बनाना है और इनर तार आपको इस तरफ रखना है और आपको चार स्लॉट याद रखने, 1 2 3 4 ये छोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ से आपको 1 से 6 में एक बार, फिर 1 से 8 में डालना है 2 बार और बात करते हैं 1 से 10 की, तो यहाँ पे सिंगल डल जाता है इस तरफ और इस तरफ डबल हो जाएगा फिर, ठीक। और ये आउटर तार निकल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम तरीका रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आपको ये चीज यही कॉइल नोट करनी है जिसमें डबल डबल डाली गई थी, 1 2 3 4, ठीक है, उसके ऊपर आपको डालना है, ये 1 से 6 हो जाता है, 1 से 8 हो जाता है, 1 से इधर 10 हो जाता है। तो इस तरफ इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ और चार स्लॉट छोड़ने, 1 2 3 4, एक से 6 में एक बार, 1 से 8 के अंदर 2 बार डालना है और यहाँ 10 की बारी आती है तो 1 बार डलेगा, इधर फिर 2 बार अपने आप हो जाएगा और ये आउटर तार निकल जाएगा। सेम टू सेम इस तरफ देखिए, इधर भी आपको यही 1 2 3 4 छोड़ के आगे काम करना है, आगे कॉइल को डालना है। तो 1 2 3 4 छोड़ के 1 से 6 में एक बार और 1 से 8 में 2 बार और फिर 1 से 10 में 1 बार और यहाँ पे आउटर तार निकल जाता है। तो ये आपका हो गया वाइंडिंग डायग्राम इसका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका डेटा मैं तुरंत यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका डेटा मैं लिख देता हूँ। तो इसका डेटा लिखिए 36 स्लॉट्स हैं और 1440 RPM इसके हैं, ठीक है। उसके बाद गेज की बात करें, गेज रहेगा रनिंग के अंदर 29 नंबर, स्टार्टिंग में 33 नंबर। अब बात करते हैं टर्न की, टर्न रहेंगे दोस्तों रनिंग के अंदर 120, स्टार्टिंग के अंदर 130। अब बात करते हैं फर्मा की, तो फर्मा जो है वो रनिंग में रहेगा 38.5 इंच और स्टार्टिंग के अंदर रहेगा 32.5 इंच। पिच की बात करें, तो रनिंग के अंदर पिच है 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, यहाँ पे मैं घुमाव लिख रहा हूँ, 1 बार कॉइल डलेगी 1 से 5 में, 2 बार कॉइल डलेगी 1 से 7 में, 2 बार कॉइल डलेगी 1 से 9 में। अब स्टार्टिंग का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से 6, ठीक है, 1 से 8, ठीक है, 10। तो यहां पे कॉइल डलेगी 1 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। ये मैंने ये वाइंडिंग डायग्राम में बता दिया है। अब बात करते हैं स्टेटर साइज की, वन इंच का है स्टेटर साइज इसका, स्टेम्पिंग साइज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। जो बात करते हैं कैपेसिटर की और कनेक्शंस की, ठीक है,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो देखिए मैंने रनिंग के कनेक्शन सब कर दिए थे, दो तार बचे थे आउटर आउटर। अब स्टार्टिंग के भी बता देते हैं, स्टार्टिंग के भी सेम तरीके से है। ये हमारी पहली कॉइल, इसका आउटर छोड़ना है और इनर तार है पहली का इनर दूसरी के इनर से ज्वाइंट कर देना है, दूसरी का आउटर तीसरी के आउटर से जोड़ देना है, तीसरी का इनर चौथे के इनर से जोड़ देना है। अब आउटर आउटर बच जाते हैं दो रनिंग के दो स्टार्टिंग के, ठीक है। तो अब देखिए टोटल चार तार हैं, ये दो रनिंग के हैं दो स्टार्टिंग के हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को लीजिए, ये कॉमन बन जाएगा, ये कॉमन तार हो गया। अब ये जो बचे हुए दो तार हैं इस पे आप कैपेसिटर लगा दीजिए, सी कैपेसिटर इसमें 3.15 से लेके 4 तक, 3.15 चल जाता है तो ठीक है, नहीं 4 का आप लगा दीजिए, ज़्यादातर 4 का ही लगा होता है। तो कैपेसिटर में दो तारें होती हैं, एक तार तो बची हुई रनिंग में जोड़ दीजिए रनिंग वाले तार में और दूसरी बची हुई स्टार्टिंग वाले में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक तो कॉमन, आप कॉमन तो प्लस हो गया, और जो रनिंग का जो दूसरा तार बचा है उसको आप माइनस बना लीजिए। ये दो तारें होगी 220 वोल्टेज की, ये कनेक्शन है और कनेक्शन है 1 से 3, ठीक है। तो इसको आप पूरे को पूरा को आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।